हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं पाया की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले पाया को आटा लगाकर आधे घंटे के लिए मैंने रख दिया है। उसके बाद मैंने नीम गर्म पानी से अच्छे से इसको धो के चूल्हे पर चढ़ा दिया है। इसमें मैंने डाले हैं 15 गिलास पानी के और इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब ये 12 गिलास रह जाए तो इसको आप पाया और पानी को अलग-अलग करके किसी देगची में अलग-अलग बर्तनों में रख दें। उसके बाद मैंने इसमें 2 कप ऑयल के डाले हैं। बाद में मैं इसमें 4 स्मॉल प्याज कट करके डाल दूंगी और इसको ब्राउन करूंगी। जब ये ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसमें पाया डाल के उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। उसके बाद मैं शान के 2 पैकेट इसमें डालूंगी, शान पाया मसाला के, क्योंकि मेरे पास 3 किलो पाया है। तो मैं इसमें पहले 1 पैकेट डालकर शान पाया मसाला का इसको अच्छे से भून लूंगी। उसके बाद इसको मिक्स करके मैं दूसरा भी सशा इसमें डाल दूंगी। पहले मैंने 1 पैकेट को डाला, उसको मिक्स किया, उसके बाद मैंने दूसरा पैकेट डालकर अभी इनको अच्छे से भून लूंगी। ये देखें, अच्छे तरीके से ये भुन रहा है। उसके बाद मैं इसमें 1 कप दही का डाल दूंगी और फिर से मैं इसको अच्छे से भून लूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और ये देखें, मिक्स हो गया दही भी। इसको थोड़ी देर भून के मैं इसमें जो पाया का पानी था वो इसमें डालूंगी। मैं कलर इसका अच्छा हो गया है तो इसमें भी पानी डालेंगे। ये वो पानी है जो पाए का पानी था, हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ था। उसी को अच्छी तरह डाल के मिक्स करके मैं फिर इसको बाद में ढक के रख दूंगी पकने के लिए।
ये देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है और कितना अच्छा ये लग रहा है। आप भी इस रेसिपी को इसी तरह बनाएं। मैं इसी तरह बनाती हूँ और ये बड़े मज़े का बनता है। और देखें इस पे कितना ज़बरदस्त कलर भी आया है और ये कितना अच्छा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी मेरी रेसिपी।